स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल लेवल अप गवर्नमेंट जॉब प्रेपरेशन में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं मेडिवल इंडिया। मेडिवल इंडिया में आज हम डिस्कस करेंगे एडवेंट ऑफ अर्ब्स एंड टर्क्स, अरबी लोगों और टर्किश लोगों का भारत में आगमन, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप हमारी कोई भी अपडेट को मिस ना कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम आज की क्लास की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे अरब इन्वेजन की। अरब इन्वेजन के टाइम पे क्या होता था, एक खलीफत के एक रूलर हुआ करते थे उमार। उन्होंने क्या किया, बहुत ट्राई किया था अरब फोर्सेस ने उस टाइम पे, बहुत सारे अटैम्प्ट किए थे बॉम्बे को कैप्चर करने के लिए, पर अरब लोगों ने सबसे पहले जो कैप्चर किया वो किया सिंध को 712 एडी में। ठीक है, सिंध को जो कैप्चर किया था उस टाइम पे जिन्होंने अरब फोर्सेस को लीड किया था उनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कैप्चर किया, उसके बाद मुल्तान को कैप्चर किया। ठीक है, और मोहम्मद बिन कासिम को भेजा किसने था, अल हजाज। अल हजाज क्या होते थे उस टाइम पर, गवर्नर हुआ करते थे इराक के। ठीक है, उन्होंने क्या किया, मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को अपने कब्जे में किया और सिंध के उस टाइम पे रूलर हुआ करते थे दाहिर। दाहिर जो थे एक ब्राह्मीन फैमिली से बिलोंग करते थे और वो ब्राह्मीन रूलर हुआ करते थे पंजाब के। उनको क्या किया, मोहम्मद बिन जो कासिम थे उन्होंने क्या किया, उनको डिफीट किया और अरब ने क्या किया, सिंध पे अपना कंट्रोल बना लिया। ठीक है, 712 से लेके 779 तक जो सिंध पे कंट्रोल था वो था अरबी लोगों का कंट्रोल था। अब इस कंट्रोल के दौरान 712 से लेके 779 के बीच में जो कंट्रोल था, इसके कारण क्या हुआ कि जो इस्लाम धर्म था उसके लिए एक रास्ता खुल गया भारत में आने का। ठीक है, तो स्प्रेड हुआ इस्लाम कहां पे, नॉर्थ इंडिया में इस समय के बीच में। अब इस्लाम को जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था भारत में उनका नाम था मलिक इवन दिनार, और जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया वो कहां पे किया, वो किया केरला में 644 एडी में। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों आगे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। अब मोहम्मद बिन कासिम का थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम। मोहम्मद बिन कासिम की अगर बात की जाए दोस्तों तो उनको भेजा था अल हजाज ने। जो अल हजाज थे वो गवर्नर हुआ करते थे उस टाइम पे इराक के। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब इन्होंने क्या किया, जब ये वहाँ से निकले तो इन्होंने सिंध पर अपना कब्जा किया, किसकी परमिशन से, खलीफा हुआ करते थे उस टाइम पर वालिद की परमिशन लेके इन्होंने क्या किया, सिंध को अपने कब्जे में किया। अब सिंध को कब्जा किया और सिंध को कब्जा करने के लिए इनको क्या करना पड़ना था, वहाँ के जो राजा थे जिनका नाम था दाहिर, उनसे बैटल लड़नी पड़नी थी। तो इन दोनों के बीच में दोस्तों एक बैटल हुई जिसका नाम था बैटल ऑफ रेवाड़। बैटल ऑफ रेवाड़ जो हुई है दोस्तों ये हुई है 712 एडी में, तो ये आपको याद रखना है। और इन्होंने क्या किया, सिंध को कब्जा करने के बाद दोस्तों इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुल्तान को भी अपने कब्ज़े में ले लिया। ठीक है, कब हुई थी बैटल, 712 एडी में बैटल हुई थी और लड़ने के बाद क्या किया, मुल्तान को भी अपने कब्ज़े में ले लिया। और मोहम्मद बिन कासिम जो थे इन्होंने मुल्तान को एक नाम दिया, द सिटी ऑफ गोल्ड। ये काफ़ी बार पेपरों में पूछा जाता है कि सिटी ऑफ गोल्ड कौन सी जगह को कहा जाता है, तो आपको याद रखना ये मुल्तान को कहा जाता है। सिंध और जो मुल्तान है दोस्तों ये दोनों इस टाइम पर पाकिस्तान में है। मोहम्मद बिन कासिम जब निकले थे तो ये भारत नहीं पहुँच पाए थे, आज के मतलब जो अभी भारत है वहाँ पर ये एंट्री नहीं कर पाए थे, सिंध और मुल्तान तक ही ये रहे थे, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों इनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की, कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम था वो कैसा था। देखो जो सिंध और जो मुल्तान थे ना दोस्तों इनको डिवाइड किया गया था एकतास में। ठीक है, अब एकतास को क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट को। और इनको लीड कौन करता था, इनको लीड करती थी आर्मी की मिलिट्री जो ऑफिसर थे वो इनको हेड करते थे। ठीक है, अब जो एकतास थे या डिस्ट्रिक्ट कह सकते हो आप, इनको क्या किया गया, सब डिवीजन्स में डिवाइड किया गया था। और उन सब डिवीज़न को कौन एडमिनिस्ट्रेट करता था, वो करते थे लोकल हिंदू ऑफिसर्स जो होते थे वो उनको क्या करते थे, एडमिनिस्ट्रेट करते थे। और पहली टाइम अगर पूछा जाए, फर्स्ट टाइम जजिया टैक्स जो था वो पहली टाइम जो इंट्रोड्यूस हुआ था नॉन मुस्लिम पे, वो मोहम्मद बिन कासिम के टाइम पे हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे और आगे डिस्कस करते हैं मोहम्मद बिन कासिम की आर्मी के बारे में। तो मोहम्मद बिन कासिम की आर्मी की अगर मैं बात करूं तो इनके पास क्या थे, 25,000 ट्रूप्स थे। ठीक है, कितने थे, 25,000 ट्रूप्स थे, जिसमें क्या था, 6,000 कैमल्स थे।
6000 सीरियन घोड़े, जो कि बहुत तेज पुरानी ब्रीड थी दोस्तों ये, और 3000 बैक्टीरियन कैमल। अब बैक्टीरियन कैमल कौन से होते हैं, जिनके गले के नीचे एक जालर सी होती है बहुत बड़ी, और पीठ पे क्या होता है एक ऊंचा सा, मतलब ऐसे करके ऐसे करके ऐसे और ऐसे करके ये पीठ पे होता है उनके, ठीक है, उनको बैक्टीरियन कैमल्स बोला जाता है। और इनके पास क्या थी फ्रेंड्स, एक आर्टिलरी फोर्सेस थी विद 2000 मैंस और साथ में 5 कैटापुलट्स। अब कैटापुलट्स क्या होते हैं दोस्तों, ऐसे करके शेप में होते हैं, मतलब एक मतलब एक उसके उसके रेडे के तरह होता है, और उसके पीछे क्या होता है पत्थर डालते हैं, पत्थर डाल के उनको आगे फेंका जाता है, तो उनको हम कैटापुलट्स बोलते हैं। तो इनके पास कितनी थी, 5 कैटापुलट्स थी, ठीक है। अब हुआ क्या, इनका ख़त्म कैसा हुआ, एंड कैसे हुआ मोहम्मद बिन कासिम का, उसको डिस्कस करते हैं। देखो खलीफा जो हुआ करते थे वालिद, जिनके कारण इन्होंने क्या किया था, सिंध पे अपना कब्जा किया था, उनको सक्सीड कर लिया गया खलीफा सुलेमान के द्वारा। और जो खलीफा सुलेमान थे वो बहुत बड़े एनिमी थे किसके, अल हजाज के। और मोहम्मद बिन कासिम को किन्होंने भेजा था, अल हजाज ने भेजा था। और अल हजाज क्या थे, गवर्नर थे इराक के, और ये क्या थे, इनके दुश्मन, इनके एनिमी थे, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो सन इन लॉ भी थे अल हजाज के साथ में, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो खलीफा सुलेमान थे इन्होंने मोहम्मद बिन जो कासिम है इनको कैप्चर कर लिया, इनको गिरफ्तार कर लिया, और इनको प्रिजन में भेज दिया, कहाँ पे, मेसोपोटामियम में, मेसोपोटामियम की जेल में भेज दिया, और वहाँ तक इनको टॉर्चर किया गया जब तक इनकी डेथ ना होगी, ठीक है दोस्तों। 150 साल से भी ज़्यादा, 150 ईयर्स से भी ज़्यादा सिंध और जो मुल्तान है ना वो खलीफा एम्पायर के पार्ट रहे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा ख़त्म हुआ, हमारा फर्स्ट पार्ट जो था मोहम्मद बिन कासिम का। अब बात करते हैं इफ़ेक्ट क्या क्या हुए इनके। देखो इफ़ेक्ट की अगर बात की जाए तो जो मैंने आपको पहले बताया, जो कंट्रोल हुआ करता था सिंध पे जो अरबी लोगों का जो कंट्रोल था, ठीक है, उसके कारण क्या हुआ, एक रास्ता बन गया इस्लाम धर्म का भारत में आना। और सबसे पहले इस्लाम धर्म 644 AD जो मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है, तब केरला में आया था, ठीक है। तो आर्ट और एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करते थे उस टाइम पे, एस्ट्रोनॉमी, म्यूजिक, पेंटिंग, मेडिसिन एंड आर्किटेक्चर वर लर्न बाई अर्ब्स फ्रॉम आवर लैंड। जितने भी अरब लोगों ने ये सारी चीज़ें, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करनी है, एस्ट्रोनॉमी क्या चीज़ें, म्यूजिक, पेंटिंग, मेडिसिन, आर्किटेक्चर, ये सारा का सारा कहाँ सीखा, हमारी धरती से सीखा है, ठीक है। और इन्होंने यही चीज़ें, एस्ट्रोनॉमी होगी, इंडियन फिलॉसफी होगी, और न्यूमरल्स हो गए, ये सारे के सारे कहाँ फैलाए दोस्तों, यूरोप में जाके ये फैलाया है इन्होंने, ठीक है। सीखा कहाँ से, हमारे भारत से सीखे, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों आगे बात करेंगे टर्किश इन्वेजन इन इंडिया की। तो ये तो अरब का जो इन्वेजन था वो इतना ही है, और ये होप है कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं टर्किश इन्वेजन की, कि टर्किश लोगों ने जो भारत में आए वो कैसे आए। देखो आठवीं और नौवीं सेंचुरी, ठीक है, 8th and 9th century में जो था टर्क जो थे ये डोमिनेटेड थे किन पे, खलीफा हुआ करते थे बगदाद पे, उन पे बहुत ही ज़्यादा क्या थे, डोमिनेटेड थे, ठीक है। और उन्होंने जो अपना डोमिनेशन था वो कहाँ तक लेके आए, सिंध और मुल्तान तक लेके आए, और फिर भारत में उन्होंने अपना काम जो है करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। भारत में जो काम अरब लोग नहीं कर पाए थे वो टर्किश लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया। और टर्किश लोगों में अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो हमारे पास आते हैं महमूद अफ गज़नी को मोहम्मद गजनी के नाम से भी जाना जाता है। गजनी, महमूद अफ गजनी इनको बोला इसलिए बोला जाता है क्योंकि गजनी एक किंगडम थी और ये वहाँ के क्या थे, महमूद थे, ठीक है। और 971 AD में ये क्या, मतलब कि इनका जो राज स्टार्ट होता है और 1030 AD तक चलता है, ठीक है। 1000 AD में महमूद अफ गजनी इन्होंने इन्वेड किया भारत में। अब देखो महमूद अफ गजनी का जो एम था वो एक्चुअली में किंगडम को बढ़ाना नहीं था, ठीक है। इनका जो एम था ना दोस्तों वो था लूटना, ठीक है। ये आए थे लुटेरे की तरह, भारत में आए, लूटे चले गए, जितनी वेल्थ इकट्ठा की बाहर चले गए। इन्होंने अगर मैं आपको बताऊं तो 17 रेड्स जो थी ना वो कंडक्ट की थी भारत में, 17 रेड, जिसमें से 16th जो रेड है ना दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने 16th रेड में क्या किया था, सोमनाथ टेम्पल पर रेड की थी, ठीक है। सोमनाथ टेम्पल पर इन्होंने रेड की थी, तो ये आपको याद रखना, पेपर में पूछा जाता कि कौन सी रेड में इन्होंने सोमनाथ टेम्पल को लूटा था, वो 16th रेड थी, ठीक है। अब देखो ये पहले टर्किश थे जिन्होंने इन्वेड किया भारत में, और इन्होंने क्या किया, ये गजना में रिटर्न हो गए बहुत सारी वेल्थ के साथ, किन किन को डिफीट करके। देखो सबसे पहले बात करते हैं जयपाला रूलर हुआ करते थे हिंदू शाही डायनेस्टी को, उनको डिफीट किया और उनकी जितनी वेल्थ थी। और उसके बाद फतेह दाऊद मुल्तान के, ठीक है, आनंदपाला ऑफ नागरकोट और द चंदेलास हुआ करते थे मथुरा के रूलर्स, उनको भी लूटा। और उसके बाद कनौज और ग्वालियर, इन सभी को लूट के वो कहाँ चले गए, गजना। और महमूद की सबसे सिग्नि
सिग्निफिकेंट इन्वेजन जो मैंने आपको अभी बताई हिंदुस्तान में, जो सबसे बड़ी उसकी इन्वेजन थी, सबसे बड़ी जो लूट थी ना वो थी सोमनाथ टेम्पल में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा जाता है। और ये कब कंडक्ट की थी, 1025 एडी में इन्होंने कंडक्ट की थी। ये कहाँ पर लोकेटेड है, कोस्ट ऑफ कथियावर में ये लोकेटेड है। उस टाइम पर राजा जो हुआ करते थे, राजा भीमदेव हुआ करते थे कथियावर के रूलर उस टाइम पर। और उनके जितने भी फॉलोअर्स थे ना दोस्तों, राजा भीमदेव के जितने भी फॉलोअर्स थे, जब इन्होंने रेड वहाँ पे कंडक्ट की, वो सारे के सारे उस जगह से भाग गए थे। ठीक है, ये रेड कंडक्ट करने आए और जितने राजा भीमदेव के जितने वहाँ पे जो भी उनके फॉलोअर्स थे, वो सारे दौड़ गए वहाँ से। ठीक है, और यहाँ से क्या हुआ, ये जितनी भी वेल्थ थी ये इकट्ठी करके चले गए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ आया। अब ये था गजनी का काम, मतलब इनको कोई पता नहीं था कि इनको टेरिटरी एक्सटेंड करनी है या नहीं करनी। इनका मेन काम क्या था, लूटना, लुटेरे की तरह ये आए थे। अब बात करते हैं कि गजनी का रूल ख़त्म कैसे हुआ। देखो, गजनी का रूल जो था दोस्तों, ये ख़त्म हुआ 1186 एडी में। जो गजनी रूल था डिक्लाइंड हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, और जो महमूद ऑफ गोरी थे ना, गोरी के महमूद, वो ग्रियो हो गए, वहाँ से उनका राज जो है वो चलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, महमूद ऑफ गोरी का रूल जो है गजनी के रूल के बाद स्टार्ट हो गया। अब बात करते हैं मोहम्मद गोरी के बारे में, या महमूद ऑफ गोरी भी आप कह सकते हो। 1149 से लेके 1206 तक जो रूल रहा है फ्रेंड्स, वो रहा है महमूद ऑफ गोरी, या मोहम्मद गोरी भी कह सकते हो आप। ठीक है, वो ये थर्ड मुस्लिम रूलर थे जिन्होंने भारत पे आक्रमण किया। अब इनका काम जो था ना दोस्तों, इनका काम ये नहीं था कि ये लुटेरे की तरह है, नो, इनका काम था ये अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड करना चाहते थे, और जितनी टेरिटरी ये एक्सटेंड करना चाहें उतनी कम थी इनके लिए। ठीक है, तो ये रूलर बन गए गोरी के। और भारत में इन्होंने जो सबसे पहली, जो मतलब कि सबसे पहले इन्होंने आक्रमण जो किया, वो किया 1176 AD में ये भारत में सबसे पहले टाइम आए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बहुत सारी बैटल्स लड़ी दोस्तों, और इनकी जो फेमस बैटल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहली बैटल ऑफ टारेन इन्होंने लड़ी थी 1191 एडी में। कब लड़ी थी, 1191 एडी में। एक्चुअली में क्या हुआ था, इन्होंने एक बहुत बड़ी फोर्स जो थी, ठीक है, फोर्स थी बठिंडा की एक, उसको इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था 1189 एडी में, और बठिंडा को भी कैप्चर कर लिया था इन्होंने। बठिंडा को कैप्चर करने के बाद इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने आगे मूव करना स्टार्ट कर दिया पृथ्वीराज चौहान की किंगडम की तरफ, और उन पे क्या दिया, इन्होंने आक्रमण कर दिया। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान की किंगडम की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया, उन पे आक्रमण कर दिया। बट इनको क्या झेलना पड़ा, वहां पे डिफीट झेलनी पड़ी, हार झेलनी पड़ी। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को फर्स्ट बैटल ऑफ टरेन 1191 में जो हुई थी वहां पे उनको क्या कर दिया, डिफीट कर दिया, और उनको बोला कि जाओ आप निकल जाओ यहां से, मैं आपको आपकी जान को बख्शता हूं, मैं आपको नहीं मारूंगा। ठीक है, और उनसे जो बठिंडा था, बठिंडा जो उन्होंने कैप्चर कर लिया, उसको भी रिकवर कर लिया था। ठीक है, अब हुआ क्या, पृथ्वीराज चौहान ने तो उनको छोड़ दिया। अब हुआ क्या, पृथ्वीराज चौहान के एक रूलर हुआ करते थे, राजपूत रूलर उस टाइम पे, जिनका नाम था जयपाल। ठीक है, जयचंद हुआ करते थे एक रूलर उस टाइम पे। इन्होंने क्या किया, जयचंद के साथ मिलके, ठीक है, जो पृथ्वीराज चौहान थे इन्होंने जो मोहम्मद गोरी थे इन्होंने जयचंद की मदद से सेकंड बैटल ऑफ टारेन लड़ी। सेकंड बैटल ऑफ टारेन जो थी, एक राजपूत रूलर्स जितनी भी फोर्सेस थी पृथ्वीराज चौहान के साथ मिलके उन्होंने क्या किया, कंबाइन हो गए मोहम्मद गोरी के अगेंस्ट। बट मोहम्मद गोरी ने क्या कर दिया, सेकंड बैटल ऑफ टारेन में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, जो कि 1192 में हुई थी। इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को प्रिजन में कैद कर दिया दोस्तों, और लेटर ऑन उनकी क्या होगी, लेटर ऑन उनको मार दिया गया। यहाँ से क्या होता है, जब पृथ्वीराज चौहान की डेथ होती है, वहाँ से जो टर्किश रूल होता है वो भारत में स्टार्ट हो जाता है। भारत में टर्किश रूल क्या हो जाता है दोस्तों, फर्स्ट टाइम आता है और भारत में ये स्टार्ट हो जाता है सेकेंड बैटल ऑफ टरेन के साथ। ठीक है, अब कुतुबद्दीन ऐबक जो कि इनको क्या कर दिया गया, इनको कमांडर बना दिया गया मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी के कमांडर कौन बना दिए गए, कुतुबद्दीन ऐबक को बना दिया गया। अब राजपूत अपराइजिंग की अगर थोड़ी सी बात करूं तो बहुत सारी किंगडम हुआ करती थी 1193 से लेके 1198 एडी के बीच में। ठीक है, इन सभी जो जितनी भी ये जो किंगडम थी ना, इन सभी को जो डिफ़ीट किया वो किया कुतुबद्दीन ऐबक ने, इन सभी को डिफ़ीट किया था, जो कि कमांडर थे किसके, मोहम्मद गोरी के, और सभी की सभी अपने अपने कंट्रोल में वो लेके आ गए। ठीक है दोस्तों, अब हुआ क्या, मोहम्मद बिन गोरी जो थे ना, इन्होंने क्या कर दिया, दिल्ली को अपना कैपिटल बना दिया, क्योंकि कहते थे उस टाइम पर यह माना जाता था कि जो भी दिल्ली पर रूल करेगा वो पूरे देश पर रूल कर सकता था, तो इन्होंने दिल्ली को एज ए अपना कैपिटल बना दिया। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद क्या होता है, 1194 में जयचंद, जिन्होंने इनकी मदद की थी मोहम्मद
पृथ्वीराज चौहान को डिफ़ीट करने में, बैटल ऑफ चंदाबर में क्या होता है, मोहम्मद गोरी उन्हें भी डिफ़ीट कर देते हैं, उन्हें भी मार देते हैं, ठीक है, उनको भी, जो कि बहुत बड़े रूलर माने जाते थे कनौज के, उनको भी डिफ़ीट कर देते हैं और उनको मार देते हैं। कहाँ, कौन सी बैटल में, बैटल ऑफ चंदाबर, जो कि कब हुई थी, 1194 AD में। ये बैटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बैटल्स आपको याद रखनी है और कौन से ईयर में हुई थी ये याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद क्या किया दोस्तों, इन्होंने बंगाल और बिहार जो है, बंगाल और बिहार में भी अपना कब्जा कर लिया। एक इनके कमांडर और हुआ करते थे जिनका नाम था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, ठीक है, ये कमांडर माने जाते थे मोहम्मद गोरी के। इन्होंने, आपको याद रखना है कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और नालंदा यूनिवर्सिटी को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया था, ठीक है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को 1202 और नालंदा यूनिवर्सिटी को 1203 में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जो कि कमांडर हुआ करते थे मोहम्मद गोरी के, उन्होंने क्या किया था, डिस्ट्रॉय किया था। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है। अब हुआ क्या, अब डेथ की बात करते हैं, मोहम्मद गोरी की डेथ हुई कैसे, ठीक है दोस्तों। अब देखो मोहम्मद गोरी की डेथ हुई कैसे, 1206 की बात करूँगा, ठीक है, 1206 की बात करूँगा। 1206 में क्या हुआ, मोहम्मद गोरी दिल्ली में थे और दिल्ली से वो वापस जाने लगे, तो उन्होंने क्या किया, जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उनको उन्होंने बोला, एज ए उनके स्लेव थे और उनको कमांडर बना दिया गया था, उनको उन्होंने क्या किया, दिल्ली की जो गद्दी थी उनको सौंप दी कि आप यहाँ पे मतलब रहिए और आप यहाँ पे रूल कीजिए, ठीक है, क्योंकि उनके बहुत ही वफादार कमांडर थे। और वहाँ से वो उनको गद्दी सौंप के वापस आ रहे थे, तो वहाँ पे 25 मार्च 1206 की बात है, ठीक है, सेंट्रल एशिया में कुछ शियाई रेबल्स के द्वारा और खोखर्स के द्वारा इनको मार दिया गया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कुछ शियाई रेबल्स और खोखर्स थे जिन्होंने क्या कर दिया, मोहम्मद गोरी को मार दिया गया। और यहाँ से एक्चुअली में जो था, मोहम्मद गोरी जो थे ख़त्म होते हैं और यहाँ से हमारी दिल्ली सल्तनत जो है वो स्टार्ट होती है फ्रेंड्स, ठीक है। होप कि आपको इतनी वीडियो हमारी समझ, ठीक है दोस्तों, इतनी समझ आ गई। अब देखो इनको क्या बोला जाता है, मोहम्मद गोरी को एक्चुअली में माना जाता है रियल फाउंडर, इसको बोला जाता है टर्किश अम्पायर का, ठीक है, भारत में, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे इन्वेजन्स किए थे भारत में और बहुत सारी राजपूत टेरिटरीज़ को अपने कंट्रोल में लाया था, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब 1206 में हम पहुंच गए हैं और 1206 से जो स्टार्ट होता है हमारा, वो दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है फ्रेंड्स, और दिल्ली सल्तनत को हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और सबसे पहली जो डायनेस्टी यहाँ पे 1206 में स्टार्ट होती है वो होती है स्लेव डायनेस्टी, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो के। होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे।